नमस्कार, मैं हूं निशा, आप देख रहे हैं ऐसे भी। आज हमारे साथ है सीएस भंडारी जी। आज हमसे पूछना चाहेंगे कि 6 दिसंबर 1956 के अंदर बाबा साहब ने अपने आखिरी क्षणों में जनमानस के लिए क्या संदेश दिया था। देखिए, मैं सभी को जय भीम नमोबधाय करता हूं, और साथ ही जो ऐसा न्यूज़ है मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि वो आज के सामाजिक क्रांति के रूप में उभर कर एक सामने आए हैं। और अधिकतर लोग ऐसा न्यूज़ को भी पसंद करते हैं क्योंकि उनका जो कहने का, प्रचार करने का तरीका है वो सभी लोग उसके कायल हैं। तो मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बधाई भी देता हूं कि आगे चलकर ये न्यूज़ चैनल पूरी इंडिया में, क्या जी, पूरे वर्ल्ड में फैले और अपनी प्रशंसा प्राप्त करे। देखिए, जहाँ तक ये प्रश्न है कि अंतिम क्षणों ने मैं बाबा साहब ने क्या कहा था, एक हम इसको प्रश्न को छोटा करके ये भी पूछ सकते हैं, बड़ा करके ये पूछ सकते हैं कि बाबा साहब ने महत्वपूर्ण क्या क्या बात कही थी जिससे हमारा जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा विकास हो जाएगा। सबसे पहले बाबा साहब ने ये भी कहा था कि भाई, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं है, और दूसरा मैं मरूंगा नहीं इस धर्म में क्योंकि ये मेरे बस की बात है। उनका डायरेक्ट संदेश था कि आप बुद्ध धर्म को इख्तियार करें, बुद्ध धर्म में आएँ और अपने पुराने धर्म को छोड़ें। जब संविधान, दूसरा पॉइंट ये सबसे महत्वपूर्ण है कि जब संविधान बन के तैयार हो गया था और पास भी हो गया था तो उन्होंने एक संदेश दिया था और ये कहा था कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर संविधान को चलाने वाले उनकी नीयत साफ है, उनका संकेत साफ है, वो अच्छे व्यक्ति हैं तो वो अच्छा साबित होगा, और कितना ही भी बुरा संविधान हो और उसको चलाने वाले अच्छे नहीं हैं तो वह अच्छा साबित होगा, और कितना ही बढ़िया संविधान हो और उसको चलाने वाले सही नहीं है तो संविधान अच्छा साबित नहीं होगा। और आज की डेट में, आज के समय में जो बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी ने यह बात कही थी तो वो बिल्कुल एकदम महत्वपूर्ण हो रही है, क्योंकि इतना अच्छा संविधान, जो संसार में ऐसा संविधान नहीं है, लिखित संविधान है, वो आज उस पर आक्षेप हो रहे हैं, उसको बदलने की तैयारी की जा रही है, उसमें काट छांट की जा रही है और उसका नाश किया जा रहा है। इसके साथ ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने अंतिम क्षणों में जो हमें संदेश दिया था वो सबसे बड़ा संदेश ये था कि उन्होंने भगवान बुद्ध और उनका धम्म, बुद्ध एंड हिज धम्मा, एक पवित्र ग्रंथ लिखा था जो हमारे लिए बहुत ही बड़ा संदेश है, समझने के लिए बहुत बड़ा संदेश है। ये इसमें भगवान बुद्ध की सारी गाथाएं, सारी रचना, सारा संदेश, सारी उसकी शिक्षाएं, पूरा धर्म का निचोड़ है। उन्होंने कम से कम सैकड़ों किताबों को पढ़ा और उन सब का निचोड़ भगवान बुद्ध और उनके धम्म में, पवित्र ग्रंथ में दिया है, जिसको आज सब लोग भारत में मानते हैं और उस विदेशों में भी उसको मानते हैं, और उसकी पहचान एक नई पहचान के रूप में बन गई है। ये बाबा साहब का हमारे लिए बहुत बड़ा और अंतिम संदेश था। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।